हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि पुराने ब्लाउज़ से आपको फिटिंग में नाप किस तरीके से लेना होता है। तो मेरे पास ये कस्टमर का ब्लाउज़ है और इनका जो ब्लाउज़ है वही बिल्कुल इसी फिटिंग से बनाना है, दूसरा ब्लाउज़ भी। तो सीधे आपको कपड़े पर कटिंग करना सिखाऊंगी। तो देखिए, आप सबसे पहले परफेक्ट मेजरमेंट लेना कैसे है आपको सिले हुए ब्लाउज़ से, वो आप देख लीजिए। तो जो जो नाप हमने यहाँ पर लेने हैं वो मैंने एक पेपर पे नोट कर लिया है, लंबाई, चेस्ट, कमर, स्लीव्स का, गले का, कटोरी का। तो देखिए, यहाँ पर बैक में डिज़ाइन दी हुई है तो मैं जो लंबाई का मेज़रमेंट फ्रंट से ही लूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें इंच टेप को शोल्डर के यहाँ से पकड़ना है, इस तरीके से। जहाँ पर हमारे शोल्डर का जॉइंट आ रहा है वहाँ से आप मेज़रमेंट लें, इंच टेप को ऊपर से पकड़े और नीचे की तरफ से लेंथ का मेज़रमेंट हमें लेना है। तो जो इस ब्लाउज़ की लंबाई है टोटल वो 13 इंच है, तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे 13 इंच। कटिंग करते समय हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, तो कपड़े पे जब हम लंबाई लेंगे तो वो 14 इंच लेंगे। चेस्ट के लिए मेज़रमेंट लेना है, तो देखिए चेस्ट कैसे नापना है आपको, तो कहीं दोनों में से किसी भी एक साइड का मेज़रमेंट ले ले। मैं यहाँ से हुक की तरफ से ले रही हूँ, यहाँ से परफेक्ट मेज़रमेंट आ जाएगा। तो जहाँ पर हुक की पट्टी वहाँ से आपको पकड़ते हुए बगल का जॉइंट देखना है कहाँ पर आ रहा है, तो वो 8.5 इंच पे आ रहा है। मतलब कि ये 34 इंच का ब्लाउज़ है, 34 साइज़ का ब्लाउज़ है। तो देखिए, यहाँ पर हमें नोट कर लेना है 34 इंच। और मैं हमेशा कमर की जो मेज़रमेंट होती है वो हमेशा खोल कर ही लेती हूँ हुक की पट्टी से। हुक की पट्टी से यहाँ पर हमें इंच टेप को इस तरीके से पकड़ना है, तो ये बिल्कुल राउंड में परफेक्ट मेज़रमेंट आ जाएगा हमारे वेस्ट का। और पूरी ही कमर हमें नाप लेना है इंच टेप से, इस तरीके से आपको पकड़ते जाना है और इंच टेप को यहाँ पर मेज़र करते जाना है। तब देखिए, यहाँ पर 27.5 इंच हमारी कमर का यहाँ पर मेज़रमेंट आ रहा है। तो इनकी जो कमर है वो 27.5 इंच है, ये हमें नोट कर लेना है पेपर पर। तो जब भी हम कपड़े पे कटिंग करेंगे इसका चौथा भाग हमें लेना है, फोर्थ पार्ट ले लेंगे हम। अब हुक को आपको बंद कर लेना है ब्लाउज के। यहाँ से हमें कटोरी के लिए मेजरमेंट लेना है, तो हुक की पट्टी से आपको यहाँ से नापना है। तो कटोरी आ रही है हमारी 5.25 इंच। कटोरी का मेज़रमेंट 5.25 इंच पर है। अब हमें यहाँ से नेक की लेंथ की मार्किंग करनी है, तो ऊपर आपको कंधे की तरफ से पकड़ना है, शोल्डर की तरफ से। तो देखिए, यहाँ पर जो इनके आगे वाले नेक की लंबाई है वो 5.5 इंच पर आ रही है। यहाँ पर हमें नोट कर लेना है। जो फ्रंट का नेक है इनका वो 5.5 इंच पर है। अब इनका बैक नेक मेज़र कर लेंगे हम कितना है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर मेज़र करना है, ऊपर कंधे की तरफ से पकड़ना है और इंच टेप को इस तरीके से रखना है। तो इनका जो बैक नेक आ रहा है वो 7 इंच आ रहा है। तो मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ा कर लिया हुआ है बैक नेक को। हमने जब हम कटिंग करेंगे तो हम 8 इंच पर करेंगे, ऊपर 1/2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो बैक नेक है इनका वो 7.5 इंच पर लिया है। आस्तीन की जो लंबाई है इनकी वो 6 इंच है और गोलाई में यहाँ पर 5.5 इंच है। तो मेज़रमेंट आपको इस तरीके से लेने हैं।
तो देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। तो इस तरीके से आपको आगे के हुक को बंद करना है और आपको शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। तो देखिए, शोल्डर आ रहे हैं हमारे 10 इंच, इस तरीके से लेना है आपको 10 इंच पे, और इसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो देखिए, जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर शोल्डर लेने हैं 5.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन भी दिया हुआ है जो हमारा अंदर की तरफ है, तो इसलिए हमने यहाँ से शोल्डर इस तरीके से मेज़रमेंट लिया है। और गले का जो मेज़रमेंट है वो देखिए इस तरीके से लेना है। तो हल्का सा मैंने गले को ऐसे इस तरीके से करा है, क्योंकि पहनने के बाद ये ऐसे ही हो जाता है हमारा नेक। तो यहाँ पर देखिए, जो गले की चौड़ाई आ रही है वो 5 इंच पर आ रही है, तो हमें कपड़े पर इसे 2 इंच करना है। इसमें से 1 इंच हम कम कर देंगे, क्योंकि पहनने के बाद हमारा गला फैल जाता है और इनके जो कंधे हैं वो काफ़ी कम है, इसमें गला एकदम झुका हुआ लग रहा है। तो इसमें जो गले की चौड़ाई है वो हम 2 इंच पर ही लेंगे। देखिए, इनके गले की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल ही कम है, ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से लेना है हमें मेज़रमेंट। तो अब हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, शोल्डर लेने हैं 5.5 इंच और नेक की जो चौड़ाई है वो 2 इंच लेनी देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेंथ के लिए मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए, लेंथ हमें रखना है 14 इंच, 5.5 इंच शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है हमें, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लें आप। और 5.5 ही हमने यहाँ पर आर्म होल्स लेने हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आर्म होल्स कैसे नापे हैं इस ब्लाउज़ के, जो यहाँ पर शोल्डर जॉइंट हुआ है ये इस तरीके से, तो हमने उसके लिए 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दिया है इस ब्लाउज़ का। 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए यहाँ पर देखिए एक लाइन यहाँ से इस तरीके से आपको बनानी है। तो ये कहाँ आ रही है, वो 5.5 इंच पर आ रही है। तो इसका मतलब इस ब्लाउज़ के जो आर्म होल्स लिए गए हैं वो 5.5 इंच पर लिए गए हैं। अब हमें यहाँ से चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेना है। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट हुआ 8.5 इंच, और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का ले लिया है, और इसका जो नेक है बैक का वो छोटा है, 8 इंच पर हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर 1/4 इंच हम आर्म होल्स की गोलाई दे देंगे। 1/4 इंच पर हमने आर्म होल्स की गोलाई दी है, और जो कमर है यहाँ पर वो 27.5 इंच है, तो उसका आधा हम ले लेंगे 7.25 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच हमने टक्स के लिए ले लिया है, बैक पार्ट में प्लीट्स जो हम डालते हैं कमर के साइड पर। तो देखिए, यहाँ पर हमने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। नीचे से भी इस तरीके से आपको कट कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करके आप कपड़े को सीधा कर लें, उसके बाद आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि हम इसमें बेल्ट ब्लाउज कटिंग करेंगे कटोरी वाला, तो 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा कर ले लिया है। उसके बाद आपको अपना बैक पार्ट उठाना है और इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, ठीक है। नीचे से 1 इंच आपको छोड़ देना है, वो हमने एक्स्ट्रा में लिया हुआ है, और बैक पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रख लें और एज इट इज़ मार्किंग कर लें यहाँ पर आप। यहाँ पर आर्म होल्स के लिए मार्किंग कर लें, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर फ्रंट की गोलाई देनी है।
यहाँ से हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 इंच हमें बढ़ाना है, वो हमने बैक पार्ट में बढ़ाया हुआ था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हमने बढ़ाया था तो वो इसी में ऐड हो गया है बैक पार्ट में। बैक पार्ट से मेजरमेंट लिया था हमने तो वो एक्स्ट्रा 1 इंच फ्रंट में भी ऐड हो गया है। अब हमें इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए यहाँ पर आपको आर्म होल्स की गोलाई इस तरीके से दे देनी है, 1/2 इंच की गोलाई देनी है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं देनी है आपको। यहाँ पर इस ब्लाउज़ के आर्म होल्स कितने आ रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर 7.5 इंच आर्म होल्स आ रहे हैं, तो हमें भी चेक कर लेना है कि हमारे ब्लाउज़ के आर्म होल्स 7.5 इंच आ रहे हैं या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। अब हमें बेल्ट देख लेना है, तो देखिए इस तरफ से हमारा जो बेल्ट है वो 3 इंच है और इस तरफ से 2.5 इंच है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 3.5 इंच और यहाँ से ले लेंगे 3 इंच, क्योंकि 1/2 इंच हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा मार्जिन में। और जैसा कि इनके ब्लाउज़ में कोई ज़्यादा शेप नहीं दिया हुआ है बेल्ट में, तो हम भी इसी तरीके से रख लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा शेप नहीं दे रहे, सिर्फ एक तिरछी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। और यहाँ से कटोरी के लिए मार्किंग कर लेंगे, तो कटोरी 5.25 इंच है इनके ब्लाउज़ में, तो हमें भी यहाँ पर 5.25 इंच ही लेनी है। और नेक की चौड़ाई 2 इंच लेनी है, ठीक है। और आगे का जो नेक है वो 5.5 इंच पे तैयार रखना है, तो हमने ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का ले लिया है। 6 इंच पे नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करी है, और यहाँ पर देखिए हमने नेक की चौड़ाई नीचे से 2.5 इंच पर रखी है, और इस तरीके से एक राउंड शेप दे देना है हमें। देखिए यहाँ पर इनका जो कटोरी का ऊपर से मार्किंग है वो कितने पे आ रही है चेक कर लीजिए, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए, तो यहाँ पर ये 4.25 इंच पर आ रही है, तो हमें भी ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के यहाँ पर 4.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हम ले लेंगे 2 इंच और यहाँ से 5.25 इंच ही लेना है, और इस तरीके से कटोरी का शेप दे देना है हमें। सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्ट कट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कटोरी कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर लिया हुआ है कटोरी को बड़ा करने के लिए, तो आपको कटोरी को बड़ा किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने जो कपड़े पर कटोरी कट की हुई है उसे आप एक पेपर पे रख ले, ये इजी रहेगा आपके लिए। और उसे एज इट इज़ यहाँ पर सबसे पहले आप ऐसी की ऐसी ही आपको यहाँ पर बना लेना है कटोरी को, एज इट इज़ आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब ये कटोरी हमारे कोई काम की नहीं है, हम जो कटोरी इस पे बड़ा करेंगे उसे ही हमें कपड़े पे कटिंग करना है। यहाँ से हमने ले लिया है 1.5 इंच, 40 साइज तक आपको इसी तरीके से बढ़ाना है। यहाँ से 1/2 इंच नेक की तरफ से 1/2 इंच लिया है, नीचे से 1 इंच, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लें, ऊपर से एक पैर का मार्जिन लेते हुए नीचे की तरफ मिला देना है आपको, ऊपर से कम लेना है और नीचे इसकी तरफ से ज़्यादा लेना है इस तरीके से। अब इन दोनों का बीच का भाग निकाल लीजिएगा, इन दोनों के बीच का भाग आ रहा है 4 इंच, मार्किंग कर लें और नीचे की तरफ 1.5 इंच बढ़ा लें, नीचे की तरफ 1.5 इंच बढ़ा लिया है हमने, और इस तरीके से आपको मिला लेना है इसे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हमारी कटोरी बन के तैयार हो गई है। इस कटोरी को हमें कपड़े पे कटिंग करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कहाँ से आपको कितना क्या बढ़ाना है। अब हम इसे यहाँ पर कट कर लेंगे। यहाँ पर इसे हमने कट कर लिया है। अब आपको इसे कपड़े पर रख कर बढ़ा लेना है। तो आप चाहें तो इसे सीधा भी रख सकते हैं, चाहे तो रेप में भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से रेप में इसे कट कर रही हूँ। तो अब आपको कपड़े पे नहीं बढ़ाना है कुछ भी, हमने यहाँ पर पेपर पे ही इसे बड़ा कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सीधे कपड़े पे भी बढ़ा सकते हैं। मैंने पेपर पे इसलिए बताया क्योंकि सभी लोगों के लिए इजी हो जाता है पेपर पे इसे बढ़ाना। और पेपर पे बढ़ा के आप चाहें तो यहाँ पर एक पिन लगाकर इसे एज इट इज ही कट कर लें, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कटोरी आपकी कट हो जाएगी यहाँ पर इसी तरीके से। अब हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। तो अब आपको जो ब्लाउज में कटोरी अटैच करनी है वो ये वाली करनी है। अब हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से आपको 2 इंच छोड़ देना है बैक पार्ट में मार्जिन का, और ऊपर से 1/2 इंच छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने आर्मोल्स नापे हैं, तो आर्मोल्स आ रहे हैं हमारे 7.5 इंच, उसमें आपको 1/2 इंच प्लस कर देना है। हमारी जो स्लीव्स की लंबाई है वो है 6 इंच, उसमें 1/2 इंच हमने प्लस कर दिया है, 6.5 इंच लिया है। आर्मोल्स ले लिए हैं 8 इंच पर, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। डाउन कर दें यहाँ पर 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर डाउन करने के बाद आपको तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। बॉक्स के बाहर भी आप लाइन ड्रॉ कर दें, ये आपका मार्जिन के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 8 इंच आर्मोल्स नापने हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है, और यहाँ से स्लीव्स का शेप दे देना है। ये हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है। अगर आप बड़ी स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं तो डाउन आप 3 इंच पर करें। यहाँ से गोलाई ले ली है हमने 5.5 इंच इस तरीके से, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है, और यहाँ पर हमने इस तरीके से स्लीव्स कटिंग कर ली है। सेंटर में कट लगा लें और यहाँ पर आपको गोलाई दे देनी है इस तरीके से। साथ ही आप यहाँ पर मार्किंग भी कर ले ताकि स्लीव्स जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में ही अटैच करना है। देखिए यहाँ पर हमारे सभी पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। ब्लाउज़ के अस्तर पे कटिंग कर लिया है, मैन फैब्रिक पर किस तरीके से रखना है देख लीजिए, आपको इस तरीके से रखना है यहाँ पर और इसे कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर कटिंग मैंने कर ली है। तो यहाँ पर देखिए आप नेक की मार्किंग देख लीजिए, यहाँ पर चौड़ाई में 2 इंच लिया है बैक पार्ट में और लंबाई में 8 इंच लिया है। 7.5 इंच हमें तैयार रखना है, और इस तरीके से सबसे पहले आप एक बॉक्स बना ले। बैक में आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर राउंड शेप ही दे रही हूँ। बैक पार्ट में प्लीट्स के लिए आप यहाँ से 4 इंच ले लें और ऊपर से 4.5 इंच ले लें। ये हमने प्लेट्स के लिए मार्किंग कर ली है। 1/2 इंच दोनों तरफ से ले लें इस तरीके से। तो ये हमारे 34 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। जब आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।